हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूबर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर इस कार की डिलीवरी ली थी हमने, और आज की इस वीडियो में इस कार का मैं वॉक अराउंड देने वाला हूँ। भाई जब से गाड़ी ली है तब से बारिश हो ही रही है, तो इसमें थोड़ा कीचड़ वगैरह लग गया है, इग्नोर करना उसको। Do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. सबसे पहले शुरू करते हैं इस कार के फ्रंट से। फ्रंट में आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, और उसी के नीचे आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट दी है। और ये फॉग लैम्प भी एलईडी वाले हैं, नॉर्मल हैलोजन नहीं, वाइट बल्ब जलते हैं। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाएगी जो एयर इनटेक के लिए, यहाँ हॉर्न की प्लेसमेंट दी हुई है, और ये यहाँ पे स्किड प्लेट इसकी आ जाएगी नीचे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टोयोटा इसे जो मिनी फॉर्च्यूनर कहती है, उसका रीज़न केवल है टोयोटा ने ये जो ग्रिल लगाई है, ये कहीं ना कहीं पुरानी वाली फॉर्च्यूनर का की तुलना में कुछ वैसा लुक देती है, इसलिए टोयोटा इसे मिनी फॉर्च्यूनर कहती है। और जब मैं शोरूम में भी गया था ना टेस्ट ड्राइव करने, तो उन्होंने सबसे पहले इसको मिनी फॉर्च्यूनर की तरह बताया था। बाकी हमें पता है, आपको पता है कि इसके अंदर क्या मिनी फॉर्च्यूनर है, टोटल ब्रेज़ा ही है ये अगर इसको चेंज ना किया जाए तो। बाकी सारी चीज़ें वही ब्रेज़ा वाली हैं। और यहाँ हुड में ये क्रीज लाइन दी हुई है दोनों तरफ, जो थोड़ा सा लुक को इसके और बढ़ाती है। और सामने मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे टोयोटा की ग्रिल है, और ये छोटी छोटी डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ ये क्रोम की फिनिश दी है, ये नीचे भी क्रोम की फिनिश आपको मिलती है। और यहाँ रेडिएटर का ग्रिल जो है उसका एयर इनटेक है, और नीचे यहाँ पे आपको एसी का जो रेडिएटर है उसके लिए ग्रिल मिल जाएगी। और बात करें यहाँ पे थोड़ा जो फॉग लैम्प के पास जो डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो कुछ ऐसे हैं डिज़ाइन एलिमेंट। और फ्रंट का जो लुक है वो कुछ ऐसा आता है इस कार का, डुअल फिनिश देने का प्रयास किया गया है, डुअल फिनिश इस कार में दी गई है। तो भाई ये था इस कार का फ्रंट का लुक। बढ़ते हैं इसके साइड के लुक की तरफ। साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पे ORVM में ही टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, और ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल भी हैं। और नीचे ये आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, 215/06R 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और ये डायमंड कट फिनिश में आते हैं। और फ्रंट में यहाँ डिस्क ब्रेक दी हुई है जो आप देख पा रहे हैं, और ये साइड में क्लैडिंग मिलती है पूरी गाड़ी में आगे से पीछे की तरफ। ये ओवरऑल लुक को एक थोड़ा सा डुअल टोन प्रोवाइड करती है। और मिरर में नीचे यहाँ आपको ब्लैक फिनिश मिलेगी, और यहाँ डोर हैंडल कलर दिए हुए हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। आगे के दोनों डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और ए पिलर को ब्लैक्ड आउट किया हुआ है, और बी और सी पिलर को भी ब्लैक्ड आउट किया गया है। यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वार्टर ग्लास मिलेगा आपको अंदर की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और ये है कुछ इसका साइड का लुक, एक बार चेकआउट कर लीजिए आप, साइड का कुछ ऐसी लुक आती है इस कार की। और सबसे बड़ी जो चेंज है टोयोटा ने किया है वो इस कार में, केवल ये बैजिंग चेंज करके, मतलब यहाँ सुजुकी की बैजिंग लगी थी और टोयोटा ने इसमें जो चेंजेस किए हैं वो केवल ये लोगो है। अगर पीछे के लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम ब्रेजा जैसी ही चीज़ें मिलेंगी, एलिमेंट मिलेंगे, केवल यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है जो टोयोटा का लोगो है ये अलग देखने को मिलेगा। और भाई यहाँ पर अर्बन क्रूज़र की ब्रांडिंग दी है, यहाँ आपको जो रिवर्स कैमरा मिलेगा, और ये भाई जानते हैं आप जिन्होंने दिलवाई है उनके लिए। और यहाँ पे आपको जो देख पाएंगे जो रियर वाइपर मिला है, जो रियर वाइपर है वो दिया गया है, और रियर डिफॉगर दिए हैं। यहाँ ये जो रियर वाइपर के लिए स्प्रे है वो दिया गया है, ये ब्रेक लाइट है जो हाई माउंटेड टेल लैम्प है, और ये इसकी लाइट्स हैं, मैं एक बार इसको जला के दिखा देता हूँ आपको। और जो फ्रंट और बैक की लाइट है वो भी मैं आपको रात के समय में जला के दिखा दूँगा कैसा उसका थ्रो है। भाई इसकी जो ये लाइट है कुछ ऐसी जलती है, और ये लुक मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है इसका ये लुक जब पूरी जलने लगती हैं। पहले जो आती थी वो केवल यहाँ ये नहीं जलती थी, ये बस जलती थी तो उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी जो ब्रेज़ा में नई लाइट आ रही हैं जो कि इसमें भी कैरी ऑन की गई हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हैं, नीचे स्किड प्लेट है, और ये है इसका छोटा सा साइलेंसर। और ओवरऑल लुक पीछे से भी आप देख पाएंगे पूरी ब्रेज़ा ही लगती है, कोई चेंजेस है नहीं इसमें, टोयोटा का लोगो और अर्बन क्रूज़र लिखा हुआ है उसके अलावा। बस भाई साइड में जो आप देख पाएंगे ये थोड़ा सा फिनिश दी हुई है, ये पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ दी हुई है, और यही सारी चीज़ें साइड में, और साइड में भी
कुछ खास चेंजेस नहीं है। नीचे वही अलॉय व्हील्स और फ्यूल लिड इसमें आपको यहाँ मिलेगी। ये पेट्रोल है, डीजल आता ही नहीं है इसमें। साइड का भी लुक कुछ ऐसा दिया है। ऊपर की बात करें तो आपको यहाँ पे जो एंटीना है वो मिलेगा। शार्क फिन एंटीना नहीं आता यार इसके टॉप मॉडल में भी। और ये इसमें रूफ रिल्स दी हुई है जो आपको मिल जाएंगी। बात करें इसके इंजन के बारे में भाई, तो इंजन भी खोल लेते हैं भाई। बात करें इसके इंजन के बारे में तो सबसे पहले मैं हुड खोल लेता हूँ। भाई भाई भारी है हुड। भाई हुड तो भारी है, सिंगल हाथ से उठाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो सकता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिया हुआ है। ये है इसका इंजन। ये मारुति का ही के सीरीज का इंजन है जो कि इसमें आपको मिलता है। ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि एक 4 सिलेंडर इंजन है। मैं आपको बता दूँ इस सेगमेंट में जो फोर्ड एको स्पोर्ट है और ये कार है अर्बन क्रूजर या ब्रेजा, उसमें आपको केवल 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। बाकी नेक्सॉन वगैरह में 3 सिलेंडर इंजन आता है। और ये पेट्रोल इंजन की बात मैं कर रहा हूँ। और भाई ये इंजन प्रोड्यूस करता है 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। कुछ ये इंजन आपको दिया हुआ है। एक बार मैं इसको स्टार्ट करके आपको इस कार के इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ कितनी बाहर तक आती है। भाई पर स्टार्ट करता हूँ। भाई इसका इंजन स्टार्ट है और बहुत ही कम साउंड है यार। मतलब वैसे अगर आप साउंड इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, एक बार आप सुन लीजिए इसकी साउंड। वैसे इतनी समझ में नहीं आती है इसकी साउंड। बाकी काफ़ी रिफाइंड इंजन है, मारुति का जाना हुआ इंजन है के सीरीज़ का। फ़िलहाल मैं हुड को क्लोज़ करता हूँ और बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। और बाहर से भी एक बार सुन लीजिए कितनी आवाज़ आती है इस कार की। भाई बहुत ही मिनिमल सी साउंड है। और ट्रैफिक वगैरह में तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये कार चालू है कि बंद है। बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको ये क्रोम फिनिश मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा अलग से सिल्वर फिनिश मिलेगी। और ये जो टोयोटा ने चेंजेस किए थे वो है ये अलग चेंजेस। यहाँ आपको पावर विंडोज़ के बटन मिलेंगे, लॉक अनलॉक और विंडोज़ का जो चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं वो है। बॉटल होल्डर दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी कुछ सामान रखने के लिए। और बात करें इसमें यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी है। स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगी और ये सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे ORVM के। और ये स्टीयरिंग है। और एक और भाई बड़ा चेंज जो टोयोटा ने किया है वो इसका यहाँ पे लोगो चेंज करके वही स्टीयरिंग मिलती है मारुति वाली। और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल के बटन और यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह के बटन मिल जाएंगे। और बात करें सीट की तो ये हाइट एडजस्टेबल है सीट। इसे हाइट एडजस्टेबल 8 वे एडजस्टेबल कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको डेड पेडल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए या चाबी रखने के लिए जगह मिल जाएगी। चाबी की बात करें भाई, चाबी कुछ ऐसी इसकी आती है। और एक चीज़ और बता दें, इसमें चाबी में भी बहुत बड़ा चेंज टोयोटा ने किया है वो इसका लोगो चेंज करके। चाबी को आप यहाँ रख सकते हैं। गाड़ी में सबसे पहले चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ORVM मिलेगा, डे नाइट एडजस्टेबल। और यहाँ पे आपको जो सनग्लास होल्डर है ये कुछ कैबिन लाइट दी हुई है। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको सिंपल ये जो शेड मिलते हैं वो सिंपल मिलते हैं। और ये जो शेड दिए हुए हैं यहाँ पे आपको इसमें लाइट भी मिलती है यहाँ पे। और ड्राइवर को तो लाइट की ज़रूरत पड़ती नहीं इसलिए वहाँ लाइट नहीं दी है। यहाँ मिरर भी दिया है, ड्राइवर को मिरर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो भाई इन्हें हटा दिया है। बात करें इसकी MID के बारे में तो ये कुछ इसकी MID है। अभी मैं बात करूँ इसकी खास चीज़ के बारे में जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। और ये कलर अभी दिन में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं रात में ये कलर दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा अच्छा लगता है। और भाई एक कमी इसमें ये लगी कि यार जब भी अपन कार को एक लिमिट के बाद पुश करते ना तो ये रेड हो जाता तो बहुत ही शानदार लगता, लेकिन आप इसको मैनुअल ही चेंज कर पाएंगे। राइट साइड में हेडलैम्प्स के कंट्रोल, ये लेफ्ट साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलती है जो कि काफ़ी वाहियात सी है मैं कहूँ। मतलब 11-12 लाख में आपको फोर्ड एको स्पोर्ट में जो स्क्रीन मिलती है ना वो काफ़ी बेहतरीन है यार इससे। और इस कार में आपको ये स्क्रीन मिलती है, काफ़ी आफ्टर मार्केट जैसी लगती है भाई। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो प्लेसमेंट दिए हैं ये ऐसा सस्ता जो टैप आप खरीद लेते हैं बाहर मार्केट से ना, वैसा कुछ इसमें स्क्रीन दी हुई है। मतलब इससे तो चेंज कर देना था यार टोयोटा को, क्योंकि कुछ महंगी भी करी है इनने गाड़ी ना मारुति की तुलना में, लेकिन फिर भी ठीक है।
यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक एसी मिलता है इस वेरिएंट में आपको, और यहाँ पे आपको ऑक्स वगैरह मिल जाएगा, चार्जर का एक पोर्ट दिया हुआ है। और भाई यहाँ पे ना आप वायरलेस चार्जर जो कंपनी से ही लगवा सकते हो, जो आपको कंपनी या शोरूम में ही मिल जाएगा। और स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कॉल वगैरह के बटन, और ये इसका गियर नॉब, ये कुछ स्टोरेज दी हुई है, बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं, कप होल्डर्स दिए हुए हैं, और ये है भाई इसका आर्मरेस्ट जो कि एडजस्टेबल है, और लेदर फिनिश दी हुई है यहाँ पे, और इसमें भाई कुछ सामान भी आप रख सकते हो। बात करें इसके ऊपर वाले ग्लव बॉक्स के बारे में, तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, और जो इसका नीचे वाला ग्लव बॉक्स है वो भी ठीक ठाक डीप मिल जाता है आपको। ड्राइवर साइड डोर जो है वो भी सेम, ड्राइवर और पैसेंजर साइड डोर भी सेम मिलता है। एक आपको विंडो की बटन मिल जाएगी अप एंड डाउन की, और सिल्वर फिनिश वगैरह, एक बॉटल होल्डर, और चार स्पीकर प्लस दो ट्वीटर आपको इस कार में मिल जाएंगे। और भाई अगर साउंड की बात करें ना इस कार की, तो साउंड मेरे हिसाब से डिसेंट है। मतलब अगर आप कुछ इसकी सेटिंग में चेंज कर देते हो, उसके बाद इसका साउंड डिसेंट है, ख़राब नहीं कह सकता हूँ मैं। बात करें रियर सीट के बारे में, तो रियर सीट कुछ ऐसी है इस कार की, और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे रियर डोर में भी, और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा। ये इसका आर्म रेस्ट, नो रियर एसी वेंट्स, आपको कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। तो ये इसका कुछ पीछे का लुक, आपको चारों डोर में ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, ये आपको पीछे की तरफ के लिए लाइट मिल जाएगी, और चारों डोर में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना उसका, वो पीछे भी दिया हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको दो बटन दिख पा रही होंगी, दिख पा रही है, यहाँ पे आपको दो बटन मिलेंगी, एक जो है इस कार को लॉक या अनलॉक करने के लिए, दूसरा इसका रिक्वेस्ट सेंसर पीछे मिलेगा। और भाई बात करें ना इसकी बूट स्पेस के बारे में, तो इसका बूट स्पेस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कितना मिलता है, और यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं सामान वगैरह रखने के लिए। ये है इसका कुछ बूट स्पेस, और बूट में ही आपको यहाँ चार्जिंग सॉकेट और जो बूट लैंप है वो दिया हुआ है। नीचे इसमें आपको बता दूँ भाई, जो टायर है ना इस साइज़ में, वो सेम साइज़ का मिलता है जो आपको लगा मिलता है, चेक कर लीजिए, 215R16 इंच का, और ये अलॉय व्हील नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस टायर में आपको। और ये इस कार की मैं खास बात भी ये कह सकता हूँ कि भाई इसमें आपको जो टायर है सही देखने को मिलता है, बाकी गाड़ियों में एक साइज़ छोटा मिलता है, तो मतलब कभी अगर पंचर वगैरह हुई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कार में आपको। बाकी बिल्ड क्वालिटी यार ठीक ठाक है इस कार की, ग्लोबल NCAP में 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। तो ये था कुछ इस कार का वॉक अराउंड। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance.